गुजरात में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर एक्टर प्रकाश राज ने कसा तंज। कर्नाटका विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं। 6 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गयी है। कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन पर पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस तरह के चुनाव परिणाम रातों रात नहीं आते। इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से हुई और इसका समापन 5 गारंटी कार्ड के साथ हुआ। पीएम मोदी को हनुमान जी के भक्तों ने करारा जवाब दिया है। लोगों ने उस नैरेटिव को खारिज कर दिया जहां लोग भगवान को बजरंग दल के स्तर पर लेकर आए थे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक के नतीजे बिल्कुल उम्मीद के अनुकूल हैं। मोदी जी ने खुद को आके रखकर वोट मांगा था, तो ये मोदी जी की हार है। बजरंग बली की गदा भ्रष्टाचारियों के सिर पर पड़ी और बीजेपी सरकार वहाँ से निमट गई। हिमाचल से लेकर समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गया है। वहीं कांग्रेस की जबरदस्त जीत और बीजेपी की हार पर एक्टर प्रकाश राज ने भी तंज के रूप में एक फोटो शेयर करी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की छवि पेश कर रही तस्वीर ने झोला लटकाया हुआ है। वहीं अमित शाह जी की छवि पेश करती तस्वीर गाड़ी पर बीजेपी के निशान वाली गठरियां समेटकर जाती नजर आ रही है और पास ही आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप की छवि पेश करती तस्वीर माइक लेकर खड़ी है। इस फोटो के साथ एक्टर प्रकाश राज ने कैप्शन में लिखा, शुक्रिया कर्नाटक नफरत और कट्टरता को बाहर निकालने के लिए। वहीं कांग्रेस की जीत पर आईएएस रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लिखा, आज शनिवार है, रुष्ट बजरंग बली की गदा का प्रबल प्रहार हुआ। विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मूल मुद्दों को किनारे कर नफरत व ध्रुवीकरण का घिसा पिटा फार्मूला लाना काम नहीं आया। चाणक्य नीति धूल धूसरित हो गई है। मोदी जी ने बहुत जोर लगाया, मोदी मैजिक फोर्स होने लगा क्या? तो वही कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट कर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत महत्वपूर्ण है, न केवल इसलिए कि दशकों में राज्य में एक राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा जनादेश है, बल्कि इसलिए भी ये जनादेश कांग्रेस नेताओं और उम्मीदवारों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के जुनूनी प्यार के बावजूद हासिल किया गया था। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, कर्नाटका के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर जीरो असर होगा, पूछिए कैसे। इसके बाद भी प्रधानमंत्री 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। 2. अडानी मामले में सवालों के जवाब नहीं देंगे। 3. अडानी मामले में JPC की मांग पर हाँ नहीं करेंगे। 4. कृषि कानूनों को रद्द करते समय के वादों को पूरा नहीं करेंगे। 5. बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करेंगे। 6. जनता 90-95 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदती रहेगी। 7. एंटी मुस्लिम मुद्दा जारी रहेगा। 8. गोदी मीडिया भांड बना रहेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की इस हार पर एक्टर प्रकाश राज के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।